धर्म वह है जिसका आचरण करने से, जिसको धारण करने से मनुष्य जीवन सुव्यवस्थित रूप से चलता रहे, वह जिसके अनुसार चलने से मनुष्य अपने निर्दिष्ट लक्ष्यानुसार जीवन निर्वाह करता हुआ अपने जीवन को सार्थक बनावे। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। मेरा हृदय इतना विशाल है कि इसमें मुसलमानों का काबा और कुरान भी है, ईसाइयों का गिरजा और बाइबिल है, तथा हिंदुओं का मंदिर एवं गीता है। मेरा धर्म और मजहब तो मात्र एक है, प्रेम। मुस्लिम धर्म के प्रसिद्ध संत इब्नान अली। पुस्तक का नाम धर्म तत्व का दर्शन और मर्म। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थ, इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, जब जब इस पृथ्वी पर धर्म की हानि होती है और अधर्म आगे बढ़ता है, तब तब मैं इस पृथ्वी पर आता हूँ और अधर्म का विनाश और धर्म की स्थापना करता हूँ। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने धर्म की स्थापना पर जोर दिया है। प्रश्न यह है कि धर्म होता क्या है? धर्म एक अपरिवर्तनशील सार्वभौम प्राणवान शाश्वत सत्ता है। धर्मपूर्ण आचरण जीवन को सुव्यवस्थित सुनियोजित बना कर्तव्य पथ पर आरूढ़ कर देवत्व की प्राप्ति कराता है। धर्म धारणा से अर्थ वह व्यवहार जीवन पद्धति मर्यादा आचार संहिता है जो सर्व कल्याणकारी हो। सदाचार एवं कर्तव्य पालन की प्रेरणा, जियो और जीने दो का संदेश धर्म की आत्मा के पर्याय हैं। धर्म मानव समाज और संस्कृति का मूलाधार है। धर्म वह सार्वभौम शक्ति है जिसका लक्ष्य ही सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे संतु निरामया है। धर्म की मूल आत्मा न्याय कर्तव्य एवं औचित्य का समर्थन करती है। प्रथा परंपराएं तो धर्म के आवरण मात्र हैं, जिन्हें समय समय पर बदले जाने की आवश्यकता पड़ती है। तर्कहीन मनःस्थिति का नाम धार्मिकता नहीं है। आंखें बंद करके किसी के भी वचन को गले नहीं उतारना चाहिए। वर्तमान युग में धर्म के प्रति लोगों की अनास्था बढ़ रही है, जिसका परिणाम यह हो रहा है कि नैतिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों मान्यताओं में भी अवमूल्यन और तज्जनित अशांति असंतोष निरंतर होता जा रहा है। जो व्यक्ति धर्म से विमुख हो जाता है वह श्री समृद्धियों एवं विभूतियों से वंचित हो जाता है। दुख दरिद्र एवं दुर्भाग्य धर्म विमुख के संगी सहचर बन जाते हैं। धर्म भीरु के लिए यह अनिवार्य आवश्यकता है कि उसकी ईश्वरीय न्याय और कर्म फल की सुनिश्चितता में आस्था हो, अन्यथा उसकी समस्त भक्ति भावना निरर्थक ही सिद्ध होगी। प्रस्तुत पुस्तक में धर्म की धारणा को जीवन में कैसे उतारा जाए, यह बहुत ही सरल सुबोध और सुगम्य रूप में स्पष्ट किया गया है। इसका सम्यक स्वाध्याय अंतःकरण को ज्ञान के प्रकाश से भर देगा। पुस्तक के कुछ अंश। धार्मिक होने का अर्थ है भावनामय नैतिकता। धर्म का तो एक ही लक्ष्य है, सत्य शिव सुंदर, अर्थात ऐसा आचरण जो सत्य हो, शुभ हो, कल्याणकारक हो तथा सुंदर हो। धार्मिकता का अर्थ है आदर्शों के प्रति आस्था, दृष्टिकोण की उत्कृष्टता, चरित्र की पवित्रता और व्यवहार की प्रखरता। हिंदू गौरव जागरण हेतु संघबद्ध धर्म धारणा विस्तार की अर्थात परिव्रज्या परंपरा के पुनः स्थापन की महती आवश्यकता है। अत्याचार करने की तरह अत्याचार सहना भी पाप है। अहिंसा नीति हो सकती है, पत्थर की लकीर नहीं। अनीति पूर्वक अर्जित धन वत्सरना का पात्र है। पूर्वाग्रही मान्यताओं से चिपके रहना संकीर्णता है, अतः त्याज्य है। विश्व शांति का एकमेव आधार अपनत्व का विस्तार है। धर्म जब जीवन में घुल मिल जाता है, दैनंदिन जीवन की अनुभूति में उतरता है, तो विषमता एवं अपने पराये का भेदभाव समाप्त हो जाता है। सर्वत्र अपनी ही सत्ता दिखाई पड़ती है। संप्रदाय एवं मजहब की दीवारें अपने आप समाप्त हो जाती हैं। पुस्तक के कुछ बिंदु। धर्म एक शास्त्रीय विवेचन और उसका व्यावहारिक स्वरूप। धर्म के 10 लक्षण। धर्मतंत्र से लोक शिक्षण की प्रक्रिया।
सभ्यता, सृजनता और सुसंस्कारिता का अभिवर्धन। क्या धर्म, क्या अधर्म।